व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की स्पेशल सी रेसिपी है हमारी कलीजी फ्राई। तो हम पहले कलीजी को हम हल्दी और गर्म पानी से थोड़ी देर के लिए 10 मिनट्स के लिए हम रख देंगे ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है सब निकल जाए। तो इस तरह से हम हल्दी को ढाम के रख देंगे। और मीन वाइल हम एक पैन ले लेंगे, पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लें और थोड़ी सी प्याज ब्राउन कर लें। ब्राउनिश कलर में जब टर्न हो जाए तो वील ऐड क्रस्ट गार्लिक हियर। हम लहसुन को थोड़ा सा क्रश करके हम डाल लेंगे, थोड़ा सा स्टर कर लेंगे ताकि जितने भी फ्लेवर्स वगैरह है सब आ जाए। और हम फिर चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड टोमेटो और चॉप्ड ग्रीन चिल्ली, 2 अदद मैंने ली हुई है ग्रीन चिल्ली, टमाटर 1 और प्याज 2, फाइनली हम चॉप करके स्टर कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट ऐड किया हुआ है, आप चाहो तो टेबल सॉल्ट या फिर जो भी अवेलेबल सॉल्ट है आपके यहाँ यू कैन यूज़ इट। और रेड चिल्ली पाउडर हम अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लेंगे, हल्दी ऐड कर लेंगे थोड़ी बहुत और अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि आरोमा, जितना भी आरोमा है सब निकल जाए। स्टर कर लेंगे फ्रेंड्स, जितने भी हमारे टमाटर वगैरह है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें स्टर करना होगा। देखें लगभग थोड़ा ड्राई हो चुके हैं जितना भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है। और अभी हम कलीजी ऐड कर लेंगे। देखें हम ड्रेन कर लेंगे वाटर सारा और ऐड कर लेंगे। तो अभी कलीजी ऐड करने के बाद अच्छे से हम स्टर कर लेंगे फ्रेंड्स। स्टर करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्सअप कर लें और थोड़ा सा हम वाटर ऐड कर लेंगे। हाफ ग्लास यहाँ पे हम वाटर ऐड कर लेंगे बस। और ये थोड़ा सा हम मटन मसाला यहाँ पे ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनती है, फटाफट से बनेगी और डिलीशियस बनेगी। और हम इसको लिड क्लोज करके बना पका लेंगे। देखिए देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 20 मिनट्स के लिए पकाया हुआ है। तो अच्छे से अभी और हमें थोड़ा वाटर रिलीज होने तक पकाना होगा। देखें अभी ऑलमोस्ट जितना भी वाटर है सब रिलीज हो चुका है। और देखिए चेक कर दें, हाँ कर लीजिए गल चुकी है। तो अभी हम सर्व कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखें सर्व हमने कर लिया है। तो ये हमारी फाइनल सी हमारी डिश बनके तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया डिलीशियस डिश थी। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, सिंपल एंड टेस्टी सी हमारी ये कलीजी बनके तैयार है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।